तो हेलो जी, दो बार नहाया हूँ आज। तो हेलो जी, कहने का मतलब ये है मैं दो बार नहा चुका हूँ, क्योंकि जिस वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रहा था, जिस वीडियो के लिए मैं शूट करने गया था, उस वीडियो के लिए मैंने सोचा था कि एक अलग पर्सपेक्टिव लेते हैं, एक आउटडोर में शूट करते हैं, तो बात बन नहीं पाई। ऊपर से 40 मिनट की वीडियो मेरी पूरी बर्बाद हो गई, आप हाईलाइट्स देख सकते हो, और बचे कुछ 1.5-2 घंटे जगह ढूंढने में कि कौन सी जगह सही रहेगी, बात बन नहीं पाई। खैर, मुद्दे पे बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी होगी, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ फिटनेस से रिलेटेड, कुछ होम वर्कआउट से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि एक ऐसी ऐप आपके फ़ोन में इनबिल्ट होती है जो आपके सारे काम कर देगी, तो कहने का मतलब ये है कि हम आज बात करने वाले हैं डिजिटल वेलबींग नाम की एप्लीकेशन के बारे में, जो आपके फ़ोन में इनबिल्ट होती है, आपको उसको डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। और सच कहूँ तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास लोगों को पता भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी नहीं पता था। मैं पिछले एक हफ्ते से इसको यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो आपको सारी बातें डिटेल में बताऊँगा, इसके सारे फीचर्स बताऊँगा। तो अगर वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगती है तो यार लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो या चैनल पर नए नहीं हो, पुराने हो, किसी वजह से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐप के बारे में। ये ऐप आपके फ़ोन में तभी काम करेगी जब आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 9 या फिर उससे ज़्यादा का एंड्रॉयड वर्जन हो। आप सेटिंग में जाके देख सकते हो, टाइप करना डिजिटल वेलबिंग, आ जाएगा अपने आप। मेरे फ़ोन में जब मैं स्लाइड करता हूँ फ़ोन को साइड में, लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे गूगल विंडो होती है, वहाँ पे अपने आप आ जाता है। ये खास तौर पे वीवो, ओप्पो, वन प्लस या रियलमी में ऐसे खुलता है। आपके फ़ोन में कैसे खुलती होगी मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो कि आपके पास कौन सा फ़ोन है और आपने इस ऐप को यूज़ करा है कि नहीं करा है, सिंपल सी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये एप्लीकेशन है गूगल आपको खुद प्रोवाइड करता है, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप अपने फ़ोन को मेंटली कितना यूज़ कर रहे हो। तो देखो यार, लॉकडाउन का टाइम है तो फ़ोन यूज़ करने के अलावा हमें और कोई काम बचा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ जरूर से ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो ख़तरनाक है। जरूर से ज़्यादा अगर प्यार भी हो रहा है ना किसी से, तो वो भी इंसान को पागल बना देता है। खैर, बात करते हैं इस ऐप के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आपको दिखता है स्क्रीन टाइम, मतलब कि आपने दिन में कितनी बार अपना फ़ोन चेक किया, कितनी बार अपना फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, कितनी बार अपने फ़ोन को रख रहे हो, लास्ट टाइम आपने फ़ोन को कब रखा था और लास्ट टाइम आपने फ़ोन को कब यूज़ किया था, ये सारा आप इसमें चेक कर सकते हो। और सबसे बढ़िया फीचर मुझे इस ऐप का ये लगता है कि अब देखो, शायद इस बात को आप भी रिलेट कर पाओगे कि रात को लेट सोने की बीमारी हम सभी को है, सभी को है, लेकिन ये बात हमारे फ़ोन को पता है कि हमने आखिरी वक्त सोते टाइम फ़ोन को कब रखा था और सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले फ़ोन को कब यूज़ किया, कितने बजे यूज़ किया, तो फ़ोन को ये सारा पता होता है। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम फ़ोन को सब पता होता है, और फ़ोन को ये भी पता है कि हम कौन सी ऐप कितनी देर यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, और फ़ोन को ये भी पता है कि कौन सी एप्लीकेशन आप कितनी देर चला रहे हो। फ़र्ज़ करो कि आप इंस्टाग्राम से बहुत दुखी हो, प्रभावित हो, ना चाहते हुए भी आप इंस्टाग्राम को टाइम दे रहे हो, सिर्फ फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ फ़र्ज़ कीजिए, तो ये आपको इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन देना बंद कर देगा, ताकि कि आप किसी एक काम के लिए फोकस्ड हो, आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। वरना अगर बार बार नोटिफिकेशन आ रही है तो आपको भी पता है आपका क्या हाल होगा, मुझे भी पता है मेरा क्या हाल होता है। तो स्क्रीन पिकअप से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो कि आप अपना कितना टाइम फ़ोन को दे रहे हो। अगर आप किसी काम में मशगूल हो तो आप अपना फ़ोन साइड में रख सकते हो, आपको फ़ोन डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, अदरवाइज़ फ़ोन बार बार बजेगा, कॉल आएगी, मैसेज आएंगे, नोटिफिकेशन आएगी, आप तंग होंगे। फिर नंबर आता है ड्रिंक वाटर का, इसमें आप सेट और एडजस्ट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितने लीटर पानी पीना है। मान लो आप एक दिन में 2 लीटर पानी पीते हो या 3 लीटर पानी पीते हो, लेकिन किसी वजह से आप किसी काम में बिजी हो, पानी नहीं पी पाए, बहुत ज़्यादा बिजी थे, पानी तक पीने का टाइम नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फ़ोन में सेट कर दो कि आपने एक दिन में 2 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, या जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर आप अलार्म सेट कर दो कि आपने 45 मिनट बाद 250 ml पीना है, या 1 घंटे बाद 50 ml पीना है, 500 ml पीना है, तो ये अपने आप आपको अलार्म बजा के बता देगा कि जनाब आप थक गए होंगे, जल लीजिए। मेरे पर्सनली काफ़ी काम का है जब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, या फिर जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि आपको पता है वीडियो एडिटिंग में 3-4 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली, तो मैं कई बार पानी पीना भूल जाता हूँ, तो मैं ऐसे में अलार्म छोड़ देता हूँ कि मैंने 1 घंटे में इतने लीटर पानी पीना है, 1 घंटे में तो कहाँ पी पाएगा, लेकिन 1 घंटे में मान लो 500 ml पीना है, तो 50-50 ml करके या फिर 100-100 ml करके ये मेरे को 1-1 घंटे में अलार्म देता रहता है, ताकि मैं पानी भी पीता रहूँ और अपना काम भी करता रहूँ। और अब बात करते हैं हुकुम के इक्के की।
यानी स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, जिसके बिना शायद मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती। और आई थिंक ये मेरा फेवरेट फीचर इस ऐप का बन चुका है अभी के लिए। इसमें मेरे लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वॉकिंग का और साइकिलिंग का। तो इसमें आप डिस्टेंस ऐड कर सकते हो कि आपने एक दिन में 7 किलोमीटर दौड़ना है, 8 किलोमीटर दौड़ना है, तो उस हिसाब से आपको कैलोरी काउंट करके बताएगा। या फिर आप अपना कैलोरी सेट कर सकते हो कि आपने एक दिन में 1500-2000 इतनी कैलोरी बर्न करनी है। तो ये आपका फोन भी आपके साथ चुप नहीं बैठेगा, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपका फोन भी एक्सरसाइज करेगा। लोकेशन ऑन होने के साथ ये आपको बताता रहेगा कि आपकी इतनी डिस्टेंस कवर हो गया है, आपका इतने कैलोरी आपने कवर कर ली है। इसमें आपको सारा बताता रहेगा कि आपने इतने डिस्टेंस कवर किया है, इतने स्टेप्स आपने कवर किए, इतनी कैलोरी आपने कवर की है, इस दिन कवर की है, आज कवर की है, कल कवर की है, एक हफ्ते में कवर किए, एक महीने में कवर किए। और इतना ही नहीं, इसमें आपको अचीवमेंट्स भी बताता है कि मान लो कि आपने आज इतनी कैलोरी बर्न नहीं करी या इतना डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो कल आप अगर इतना डिस्टेंस कवर करोगे तो फोन आपका ज्यादा अच्छा चलेगा, बैटरी ज्यादा अच्छी चलेगी, नेटवर्क इशू कम रहेंगे, या फिर आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, ये बिना नेट के चलता है, इसमें आपको नेट की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक बार आपको सिंक करना रहेगा, बाकी उसके बाद ऑल सेट। और क्या चाहिए कि इसमें और भी फीचर्स आपको मिलते हैं कि आप अपने फ़ोन की बैटरी कैसे इंप्रूव करें, अपने फ़ोन को फास्ट कैसे रखें, स्मूथ कैसे रखें, लैग फ्री कैसे रखें, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो इस फीचर में कि क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं देखना चाहिए। तो फाइनली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ इस ऐप के बारे में, तो लिटरली मेरे लिए काफ़ी काम की ऐप है, मेरी काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड हो रही है। तो आप भी एक बार देख सकते हो इस ऐप को यूज़ करके आपको क्या क्या चेंजेस करने को मिले हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं अपने लिए। तो वीडियो में इतना ही था, मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशल लगा इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। तो वीडियो में अगर कुछ भी बेनिफिशियल लगा हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मत कर और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत जाना। क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा थक भी रहा हूँ क्योंकि तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन स्टिल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।